हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गतिमान एकेडमी। आज हमारी डिजिट सम की सिक्स क्लास और अर्थमेटिक डिजिट सम की सेकंड क्लास होगी। इसमें हम बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कई बार रिपीटेड हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है हमारा, ये सबसे पहले एसएससी सीपीओ 6/9/2009 में आया हुआ है, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2016 में आया हुआ विथ डेट के दोस्तों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इनको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो इनकी साइट पर जाके, ठीक है ना। और फिर यही क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ था जिसमें क्या थे, ऑप्शन चेंज थे, जिसमें ऑप्शन चेंज थे, है ना, क्लियर। फिर यही क्वेश्चन 2015 में थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ था। तो देखिए आप किस तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन तीन तीन चार चार पाँच पाँच बार रिपीटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैथ ज़्यादा जनरेट नहीं होती है, वही कि वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लिए जाते हैं हर बार, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट टॉप करते हैं वो सभी क्वेश्चन पूरा प्रोसेस से करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट उनके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और कॉन्सेप्ट तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही तो पूरा सब कुछ चल रहा है। जिसका कॉन्सेप्ट इतिहास गवाह है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा या कॉन्सेप्ट बहुत धांसू रहा है, वह जीतता आया है। यही आपको करना है। अगर आपको जीतना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, जो कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा मजबूत कराने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कर भी रहा हूं जिस स्तर तक मुझसे बन पड़ेगी, क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और जिन्होंने अभी तक पुराना डिजिट सम फाउंडेशन नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, तो आप वहां से फाउंडेशन इसकी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से मैं आपको इसको बाद में कराऊंगा, पहले मैं डिजिट सम से इसके लिए बता देता हूँ। 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता, मैंने आपको जैसा बता दिया ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो 9 से जिस नंबर में भाग जाएगा इसका मतलब उसका डिजिट सम या तो 9 होगा या फिर क्या होगा, 0। तो वह हम चेक कर लेंगे बहुत जल्दी से। 7 और 7 14, 4 और 5 6, 5 11, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये 8 और 1 9, 6 3 9, ये हो सकता है, बाकी हम फिर भी चेक कर लेंगे। 3 और 3 6, 5 11, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9, 3 और 3 6, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। जिस संख्या में 9 से भाग जाएगा उसका डिजिट सम 9 ही होगा ना, या 0 होगा, क्लियर है। तो जब हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम डिजिट सम लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन ये होगा। हमें क्या करना है, एलसीएम से क्या करना है, इसके एससीएफ से, किसी से भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि आपको वैसे करना है बेसिक से करने के लिए, आपके लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसका एलसीएम कितना आएगा, 840 आ जाएगा, है ना। 840 + 3 आपको शेष बचाना है। क्या आप देखें ये नंबर 9 से डिवाइड है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8, 4, 12, 2, 1, 3, 3 और 3 कितना हो रहा है, 6, 6 में 6 डिजिट सम में 9 का भाग नहीं जाता, 0 डिजिट सम में 9 का भाग जाता है। तो इसका आप डबल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 80 + 3। क्या ये 9 से डिवाइड है, तो आप देखें 8, 1, 9, 6, 3, 9, हाँ बिल्कुल है। तो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं, कितना आया, 1680 आया। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये बेसिक फाउंडेशन में आपको एलसीएम एससीएफ जब बढ़िया चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा कंप्लीट क्लासेस में उसमें बताऊंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये जताना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि डिजिट सम आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है कि आप उस तरीके से इसको देख रहे हैं। वो कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर यही क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है जिसमें ऑप्शन बस चेंज किए हुए हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम, वही का वही, आप बिलीव नहीं करेंगे, एसएससी कई बार पूछा है। और जो छात्र व्यापम की तैयारी करते हैं या फिर टीचर ग्रेड 1, 2, 3 या संविदा की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी या पुलिस इस तरीके के या रेलवे की, वो सोचेंगे यार ये एसएससी में आया हम क्यों पढ़ेंगे। तो अरे भाई मेरे, जो मैथ एसएससी में आती है वही तो हर जगह आती है। मैथ अलग थोड़ी है कि ये वाली मैथ एसएससी की है, ये पटवारी की है, ये पुलिस की है, ये रेलवे की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ तो वही की वही है ना, बस क्वेश्चन जो एसएससी में आ रहा होता है वही इधर आ जाता है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके संविदा वर्ग 3 भी पूछ सकता है, या फिर संविदा वर्ग 3 नहीं भी पूछेगा तो वर्ग 2 वर्ग 1 इस तरीके से पटवारी पुलिस तो पूछ ही सकता है, क्लियर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी पूछता है, हर जगह आ जाएंगे आपके लिए। अब आपके लिए जो 2011 में आया उसमें ऑप्शन देखें आप, करना हमारे लिए वही है 9 से विभाजिता, और 9 से विभाजिता देखने के लिए संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, मतलब डिजिट सम संख्या का 9 या 0 होना चाहिए। 6 3 9 4 1 5 ये नहीं होगा, यहाँ से 7 3 10 1 बचा,
पाँच और छः और एक सात, ये भी नहीं होगा। ये देखें आप, नौ कैंसिल, सात तीन दस और एक ग्यारह, एक और एक दो, ये नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक कैसे होता है ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी क्वेश्चन को जो उसने 2015 में पूछा हुआ था, थोड़ा सा चेंज करके हम उसको भी देख लेते हैं, क्लियर है। उसने पूछा हुआ था एक्स वह न्यूनतम संख्या है, एक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसे पाँच छः सात आठ से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में तीन शेष रहता है, परंतु नौ से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है, तो एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें। ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, 24, 21, 18 और आपका डी ऑप्शन था कितना, 22 था। ये आपका आया हुआ है एसएससी मेंस 2015 में, एसएससी मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। तो करने के लिए देखें, सबसे पहले हल कर लेते हैं। एक्स वह न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में तीन शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है, तो एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें, क्लियर है। अब एक्स के अंक जिस संख्या में 9 से भाग जाएगा, जिस संख्या में 9 से भाग जाएगा उसके अंकों का योग भी तो 9 से डिवाइड होगा ना, मतलब डिजिट सम कितना होगा, 9 ही होगा ना। तो देखें यहां पे 4 2 6 नहीं होगा, 2 और 1 3, 8 और 1 9 हो सकता है, 2 2 4, देख लीजिए आपका सेकंडों में आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ गया, मतलब एक सेकंड में जितना आपने पढ़ने में लगाया टाइम क्वेश्चन को, उतने में ही आपने डिजिट सम से हल कर लिया। तो ऐसा एक तरीके से नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, वो तो डिजिट सम की हम जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपके लिए मोटा मोटा ओवरऑल एवरेज लेके बताए हुए हैं क्वेश्चन पूरी अर्थमेटिक से, जो कि पिछले पार्ट में 5 पार्ट में भी बताया हुआ था, ये हमारा 6 पार्ट है डिजिट सम का, इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहां से मैं आपके दिमाग में ये चीज बिठाना चाहता हूं कि आप डिजिट सम को अप्लाई करें, डिजिट सम को अप्लाई करें, क्लियर। जब आपका कॉन्सेप्ट ठोस होगा, मजबूत होगा, तभी तो आप जीत हासिल करेंगे, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे तो x के अंकों का योग, मतलब वह संख्या जितनी भी होगी उसके अंकों का योग तो भाई 9 ही होगा, तभी वह 9 से डिवाइड होगी, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि आप बेसिक से कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे पिछला तो मैं बता चुका हूँ, ये मैं बताऊंगा आपके लिए एचसीएफ एलसीएम में। अभी केवल हम डिजिट सम की बात करने वाले हैं, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रख लें। और अगर आप जीनियस हैं तो आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप सीधे टिक करेंगे आंसर, है ना। आपको अपने आप को जीनियस मानना, इस बात में हंसना नहीं है कि भाई अरे हम जीनियस कैसे हैं, आपके मानने से ही सब कुछ होगा। अगर आप मान लोगे कि आप जीनियस हो तो जीनियस हो, आपने माना आप वीक हो तो फिर वीक हो, क्योंकि मानने और सोचने से पूरा का पूरा अर्थमेटिक या पूरा का पूरा बेस बना हुआ है आपका, कि आप क्या सोचते हो, क्लियर है। तो ये हम देखे हुए हैं, कितने एक ही क्वेश्चन देखे हुए हैं, वो तीन चार बार रिपीटेड है, जो कि थोड़ा सा चेंज करके 2015 में पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो एक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 व 21 से विभाजित हो जाती है, तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि 2000 से जोड़ा जाए, एक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे किससे जोड़ा जाए 2000 से, तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाजित हो जाती है। तो यहां से हम कोई भी एक नंबर लेके भी इसको क्रॉस चेक कर रहे थे, जैसे कि अभी मैं 18 उठा रहा हूं। अब जो संख्या 18 से डिवाइड होगी उसका मतलब है 9 से तो डिवाइड होगी होगी, और जो संख्या 9 से डिवाइड होती है उसका डिजिट सम कितना आता है, 9 आता है, हाँ है ना। तो क्लियर है, यहां इस पूरे नंबर का डिजिट सम 2, इसका डिजिट सम है एक्स बराबर 9, तो 2 में कितना जोड़ा जाए कि डिजिट सम कितना हो जाए 9, तो वही कितना जोड़ेंगे, 7 ही तो जोड़ेंगे ना। तो x के अंकों का योग क्या होगा, संख्या नहीं पूछी हुई हमसे पूरी, हमसे क्या पूछा हुआ है, x के अंकों का योग, मतलब x वह लघुत्तम संख्या है तो उसके अंकों का योग कितना होगा। देखिए 2000 के अंकों का योग 2, x का हमको निकालना है, बराबर वह संख्या 12 16 18 व 21 से पूरी तरह विभाजित है, तो जो 18 से डिवाइड है वह संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, तो जो 9 से डिवाइड होगी उसके अंकों का योग 9 होगा, हाँ है ना। तो 2 प्लस एक्स, 2 में कितना जोड़ें कि योग अंकों का कितना हो जाए 9, तो हम कितना जोड़ेंगे 7। तो देखिए यहाँ पर ये पढ़ने से जल्दी तो आपने आंसर दे दिया क्वेश्चन का। तो अगर आप जीनियस हैं तो आप कैलकुलेशन ना के बराबर करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। आपको क्या करना है, सीधा आंसर टिक करना है, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपके लिए वो इंस्पेक्टर वाली सोच रखनी पड़ेगी क्वेश्चन को हल करते समय। ये नहीं कि अगर हमको ये अरे हल करना आता तो है, ऐसा नहीं है। जो पटरी पे नहीं है वो पटरी पे आने की कोशिश करें, और जो पटरी पे हैं वो
दौड़ने की, और जो दौड़ रहे हैं वो हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब संभव है। राइट बंधु ने जब हवाई जहाज बनाया था तो कई बार फेल हुए थे, लेकिन आज पूरे विश्व में, पूरे अपने देश में और हर जगह क्या हो रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जो कि उसी पैटर्न पर सेम आधारित था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में मैं डिजिट सम डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 100% हर जगह बिल्कुल कहीं भी आए डिजिट सम लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आपको कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। जैसे ही आप जन्म लेते ही दौड़ना या चलना चालू नहीं कर दिए थे, आप कई बार गिरे उठे, हर चीज़ आपने सीखी है, तब जाके आज आप बहुत अच्छे से चल दौड़ पा रहे हो। तो वही आपके लिए यहाँ पर मैथ में करना है। यहाँ मैं ये नहीं बोलता कि आपको 100% यही सीख लेना, नहीं, लेकिन आपके लिए साइड में ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन को करने के दो दो तीन तीन तरीके हैं। तो आप एग्जाम में जो भटाक से आए, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखा हम याद कर रहे होते हैं, यार इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपने तो क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में जो तुरंत आ गया आप उससे लगा के हल करके निकल जाए। क्योंकि जितना सोचेंगे आप, 10 सेकंड सोच लिया मतलब क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला ना। तो आप तो बड़ी मेथड से भी कर रहे हैं, 10 सेकंड सोचा नहीं ना आपने, 15 लग जाएंगे, 5 और लग जाएंगे, तो ये सोचने का समय भी उसी में ऐड कर दिया। तो आपको जो तुरंत आ जाता है याद, आप उससे क्या करें, चीज़ों को हल करके निकल जाए। जब आपके लेकिन पास बहुत ज़्यादा तरीके होंगे, अब आप सोचेंगे मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो मोर स्टडी नो कन्फ्यूजन, ऐसा आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर अगला हमारा वही एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आते हैं, देखिए LDC 6, 12, 15 इवनिंग शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप इनको चेक कर सकते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाजित हो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए या फिर छोटी से छोटी, तो पूछ रहा है 12, 18 और 21 से। तो फिर हम यहाँ से क्या पकड़ लेंगे, 18 पकड़ लेंगे। 18 से जो संख्या डिवाइड होगी वो किससे, या तो 9 से होगी, क्लियर है, क्योंकि जो 18 से डिवाइड है वो तो 9 से होगी होगी ना। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए संख्या के अंकों का जो डिजिट सम होगा वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 3, 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 ये नहीं होगा। यहाँ से आपका 6, 3, 9, 5 और 2, 7 ये भी नहीं हो सकता, 5, 3, 8 और 1, 9 ये 2 ये भी नहीं हो सकता, 8 और 1, 9, फिर तो ये लास्ट बचा हुआ ये तो होगा ही होगा। तो देखें 8 और 1, 9, तो आप इसको पूरा नहीं करेंगे कि आपने इसका LCM निकाला है ना, और LCM से डिवाइड दे रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या, फिर उसको जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं। आप 6वीं क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आपको इसके 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाने हैं। और अगर आप इसको इतना टाइम देंगे तो मेंस्युरेशन एलजेब्रा इनके लिए क्या करेंगे तब आप, है ना। तो आपके लिए यहाँ पे इस लेवल से सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि अरे यार नहीं, आप बार बार 18 ही पकड़ा दे रहे हो, तो 18 नहीं भाई मेरे, आप 12 को ले लो। 12 कैसे बनता है, 4 × 3, आपने इसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे होंगे, जिस संख्या में 12 से भाग जा रहा है तो 4 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, मतलब 4 और 3 का जो कॉमन क्या है, कॉन्सेप्ट है या रूल है, वो 12 के लिए फॉलो करेगा। मतलब जिस संख्या में हमें 12 से भाग देके देखना, उसमें 4 से और 3 से देके देखना पड़ेगा। तो 4 मतलब अब पीछे के अंतिम के 2 अंकों में, और 3 मतलब संख्या के अंकों के टोटल में, 3 का भाग 8 और 1, 9 जा रहा है। अब आपको लगे कि नहीं यार यहाँ तो, यहाँ पे तो अंतिम 2 अंकों में ही नहीं जा रहा 4 का, यहाँ पे 4 का जा सकता है, लेकिन संख्या के अंकों का टोटल कर लेंगे आप। यहाँ से देखिए, अभी हमने किया हुआ था, देखें 6, 3, 9, 5 और 2, 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, क्लियर है। यहाँ से 5, 3, 8 और 1, 9, यहाँ पे 2 बच रहा है, और पीछे के अंतिम 2 अंक भी 4 से डिवाइड। तो ऐसा नहीं है भाई मेरे कि हमें सिर्फ 9 ही ढूंढना है या फिर 9 ही हर जगह मिलेगा। अगर यहाँ पे 18 नहीं होता तब हम क्या करते, तब हम 12 से काम चला लेते, 12 से ना हो तो 7 का 3 × 21, इसकी भी रूल है हमारे पास में। जब भी हम SCF LCM पढ़ेंगे बढ़िया बहुत बेसिक चैप्टर तरीके से, तब मैं आपके लिए चीज़ें पूरा बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपके दिमाग में ये चीज़ें बिठाना चाहता हूँ कि आपको इस लेवल पे सोचना है, जो आपने अभी तक सोचा नहीं है वो सोचना है आपके लिए, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा वो सोच सकते हो, तो वो आप कर भी सकते हो अगर आप इस तरीके से रहो। क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क, या आपके लिए चीज़ें आने लगें वो मायने नहीं रखता है कि आपके लिए चीज़ें आने लगें, आपको कितने लोगों से ज़्यादा जल्दी चीज़ें आ रही हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। ठीक है, अब देखिए आप कितना मजेदार क्वेश्चन है कि जब 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है तब रिजल्ट 8B2 प्राप्त होता है, और 8B2 3 से विभाजित होता है, तो ये का अधिकतम मान क्या होगा। SSC CGL 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको ये बिल्कुल ना लगे जो व्यापम या कोई स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी, SSC GD या फिर व्यापम पटवारी पुलिस, ऐसा ही कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, अरे ये तो SSC क्वेश्चन, तो ऐसा मैं बार बार बता चुका हूँ आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही मैथ यहाँ आ रही होती है, वही वहाँ आ रही होती है, ना कोई सरल कठिन का पैमाना हम और आप निर्धारित नहीं करते, और ना ही ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए, ये एग्जामिनर ने दिए हुए क्वेश्चन है, वही ये ऑप्शन है। 335 को जब 5A7 में जोड़ा जाता है, मतलब ये दोनों नंबर जब जोड़े जाते हैं तो ये बनता है, और ये जो नया बना हुआ नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, है ना। तो आप डिजिट सम देखें यार,
तीन से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों के टोटल में तीन का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ये तो पूरा गया। यहां आपने तीन का भाग दिया, शेषफल क्या बचा, दो बचा हुआ है ना, ठीक है। और इस वाले नंबर में 7, 5, 12 है, तो ये तो यार उससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, तीन से, बराबर 2+a। अब a की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, आप 1 रख सकते हो, तो भी कितना बना, 3, 3 से डिवाइड है। फिर आप कितना रख सकते हो, 1 के बाद यहाँ पे 4 रख सकते हो, है ना, फिर कितना रख सकते हो, 7 रख सकते हो, तब भी 3 से डिवाइड है। लेकिन हमें पूछा जा रहा अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान अभी फिलहाल हमारे ऑप्शन में क्या है, सी 4 है, 7 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ उस बारे में। अगर अब आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए, चलो यहाँ पे देखो, 335+5a7 बराबर बना 8b2। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है, ये जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है, इस नंबर को इसमें जोड़ा गया है, तो ये की अधिकतम वैल्यू क्या होगी कि जो संख्या 8v2 बने वह 3 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो देखें, जो कि हमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा रखा है मैंने, तो आपने तो पढ़ रखा होगा कि संख्या, किसी भी संख्या में 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तब क्या करते हैं। तो अगर नहीं जिनने पढ़ रखा है, मैंने भी नहीं पढ़ा रखा है, तो मैं अभी बता देता हूँ, जिस संख्या के अंकों के टोटल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर जिस संख्या का डिजिट सम कितना होगा, 3 होगा, क्लियर है, या 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 होगा डिजिट सम बोले तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अभी हम देखें, यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो 3 और 3, 6, यहाँ पर 5 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, हाँ है ना, ठीक है। ये 7 और 5, 12, संख्या के अंकों का टोटल तो 3 से डिवाइड है, बचा हुआ ए, बराबर ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 से डिवाइड हो, 3 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, डिजिट सम इतना ही आ सकता है, डिजिट सम इसके अलावा तो नहीं हो सकता है। तो ए की वैल्यू हम कितनी, अगर 1 पुट करेंगे तो 2 और 1, 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। फिर अगर हम ए की वैल्यू 6 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे, तो 4 और 2, 6, तब भी ये 3 से डिवाइड है। फिर हम इसी की वैल्यू कितनी रख दें, 7 रख दें, 7, 2, 9, तब भी ये 3 से डिवाइड है। बात आ रही समझ में, मेरे हिसाब से आपको आ रही होगी, क्लियर है। अब भले ऑप्शन यहाँ पे 7 नहीं, आंसर तो अपना फाइनल हो गया कि कितना, 4 अधिकतम। अगर न्यूनतम पूछता तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर 1 से अधिक होते हैं, इसलिए वह अधिकतम या न्यूनतम पूछता है, ठीक है। न्यूनतम पूछता तो 1 लगा देते, अधिकतम पूछा हुआ है तो 4, या फिर 7 ऑप्शन में भी होता, 7 ऑप्शन में भी होता तब हम 7 लगाते कि नहीं लगाते उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 335 और लिखा हुआ है आपका 5a7 बराबर आ रहा है 8b2। बात आ रही है समझ में, ठीक है। यहां पर आप 1 पुट करोगे, कर सकते हो, लेकिन हमें अधिकतम पूछा था, 3 और 1, 4 यहां पे वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। फिर हमने यहां पे अभी तो अधिकतम के लिए 4 पुट किया है, तो 4 3 कितना, बी की जगह पे 7 आ सकता है। बता रही है समझ में, मेरे हिसाब से आपके लिए कितना, 7 आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक ही जगह अगर हम 7 ऑप्शन में भी होता तो पुट करते कि नहीं, तो अगर यहां पे हम 7 रखते हैं, बात समझने की कोशिश करना, अगर हम यहां पे 7 रखते हैं तो ध्यान देना, 7, 5, 12 की 2, क्लियर है, कैरी 1, ठीक है, 7, 3, 10 और 1, 11 हासिल की 1, 5, 3, 8 और 1, 9, तो ये तो संख्या ही बदल गई ना, संख्या ही बदल गई ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से आपके लिए इसलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसलिए ये चीज़ें समझना है आपके लिए। अब हमने कितना रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है 4, तो 5 एक ही जगह हमने 4 रख दिया और ये 7, इस तरीके 7, 5, 12 की 2, कैरी 1, 4, 3, 7 और 1, 8, क्लियर, 5, 3 कितना हो रहा, 8, लीजिए, संख्या भी नहीं बदली। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, b की जगह तो ये कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ आना ही न्यूमेरिकल, लेकिन हमारे यहाँ पे 7 पुट करते ही क्या हो रहा है, ये जो पहले से 8 रखा हुआ था वो भी बिगड़ गया। क्वेश्चन थोड़ी ना बिगाड़ना है, क्वेश्चन को हल करना है ना कि बिगाड़ना है। तो बातों को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अगर आपको बेसिक से चीज़ें समझना है कैसे होता कैसे नहीं होता, तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं ऐसे पहले से हम का वीडियो जो मेरे हिसाब से बनाने वाला हूँ, मैं लेट बनाने वाला हूँ, तो फिर मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप जब मैं बनाऊँ तब आप पढ़ लेना चीज़ों को। लेकिन आपको समझना और सीखना क्या है, डिजिट सम, कुछ ना कुछ आप नया तो सीखें, कम से कम ये लॉकडाउन है जो कोरोना का, इसमें कुछ नया तो सीखें हम, है ना। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारा, उसी पैटर्न का है, एचसीएफ एलसीएम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1294 में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए जिससे 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। तो ये एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और वहीं के ये ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है 1294 में से
सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए जिससे 9, 11 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? 6 शेष बचे। फिर से हम किस नंबर को पकड़ेंगे? उसी 9 को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कैसे हैं, प्राइम हैं, है ना? ये दोनों नंबर कैसे लिखे हुए हैं? प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट है भाज्य, तो इसी के लिए ले लेंगे हम। अब किसी भी संख्या में जब हम 9 से भाग देंगे तो उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। और जब हम किसी संख्या में 9 से भाग देंगे और शेषफल 6 बचे तो उस संख्या का पर्टिकुलर जो डिजिट सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6। वो कैसे, मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 15 में हम 9 से भाग दो, भाई मेरे यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? 6। इसका मतलब इसका डिजिट सम भी तो कितना ही है? 6 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 12 94, 12 94 डिजिट सम कितना रहा? 4 2 6 और 1 7, ठीक है। मैं से कितना घटाएं, क्योंकि इस पूरी संख्या में ऐसे घटाना है ना कि डिजिट सम कितना बचे? 6 बचे ना, क्योंकि शेषफल 6 बच रहा है। तो x की जगह पे कितना लिखेंगे भाई मेरे आप? हो गया, कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे ना, 7 में से 1 घटाओ कितना आ रहा? 6। अरे नहीं आ रहा हो समझ में, देखो 12 94 में से क्या घटाएं आप छोटी से छोटी संख्या कि जिससे 9 11 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, 9 से भी भाग दें, 11 से भी और 13 से, प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? शेष कितना बचे? 6 बचे ना शेष, है ना? इसका मतलब उस संख्या का डिजिट सम भी तो 6 ही होगा ना, जब 6 शेष बच रहा है 9 से भाग देने पर। हम इन दोनों से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें तीनों से चेक करना है, और हमारे लिए एक कोई नंबर काफ़ी होता है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर ये नहीं दिखाना है कि अरे हमने सबसे चेक कर लिया, कि हमने 11 से भी कर लिया। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको बेसिक हल करना, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बात तब हो जाएगी जब आप 35 सेकेंड में करोगे बेसिक से और आप डिजिट सम से कर दोगे 2 सेकंड में, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, है ना? 33 सेकंड आप ज़्यादा ले जाएंगे। तो इसका आप डिजिट सम निकालेंगे कितना आएगा? 4 2 6 और 1 7 -x = 6। अरे भाई कितना घटाएं आप 7 में से कि 6 बचे, तो आप कितना घटाएंगे दोस्तों? 1 घटाएंगे, आए ना? मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगर आप जीनियस हैं तो आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करने में कोई इशू नहीं है। आप क्या निकालें? इसका एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकालने के लिए ये क्या है, ये दोनों नंबर तो वैसे ही प्राइम है और ये साथ में बन गया आपका कोप्राइम नंबर, क्लियर है? तीनों मिला के तो 9 11 कितना हो गया? 99 गुणा 13। अब मैंने आपको 99 से गुणा करने का कॉन्सेप्ट या ट्रिक बताई हुई है, 99 से किसी भी संख्या में गुणा करना है तो उस संख्या का 1 कम करके लिख देते हैं और जितना आता है उसी को इस नंबर में से कम कर देंगे। 9 में से 2 घटाओ कितना? 7। 9 में से 1 घटाओ 11। 12 87 क्या आया? इसका एलसीएम आया 12 87। 12 87 क्या हुआ है? एलसीएम आया। 12 87 से आप इसमें भाग दें तो देखें यहाँ पर कितना लिखा हुआ है नंबर, 1294 लिखा हुआ है ना, और हमें 6 शेष भी चाहिए तो 6 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1293 हो गया। तो वही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, 1294 से कितना घटाना है? 1 घटाना है ना, 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1293 लीजिए, हो गया आंसर। तो मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ पाए होंगे। ये थी अभी तक मेरे अकॉर्डिंग डिजिट सम की लास्ट क्लास। मैंने आपके लिए इस डिजिट सम की 6 क्लासों में पूरा का पूरा निचोड़ बताने की कोशिश की है, अर्थमेटिक का और सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ जहाँ संभव है चीज़ें लग सकती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वैसे तो डिजिट सम से पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने आपके लिए मेन मेन क्वेश्चन बताए हुए हैं जो कि एग्जाम में सभी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आपके लिए मैंने डेट टेंशन सब कुछ दे के रखा हुआ, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सभी क्वेश्चन मैंने बुक से ही लिए, कोई भी मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब किसी को भी गुमराह करना नहीं है या किसी को भी मेरा परेशान करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य कि आप इन चीज़ों में उलझ जाएं, उलझाना नहीं है, आपको सुलझाना है मैथ से कि आप चीज़ें किस तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना? तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब हम बेसिक पूरे चैप्टर चीज़ें, चैप्टर वाइज चैप्टर चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तब भी मैं आपके लिए डिजिट सम बताता चलूंगा धीरे धीरे, क्लियर है ना? कि आप यहाँ पे बेसिक से भी कर सकते हैं, डिजिट सम से भी कर सकते हैं, आपको कंपेयर करना है दोनों चीज़ों से करके कि आप कैसे करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, इसके बाद हम आगे बात करेंगे जैसे ही जो चैप्टर आएगा। चलिए, थैंक यू।